तो दोस्तों आज हम देखने आए हैं टाटा नेक्सन 2020। तो अगर आपको भी गाड़ियों का शौक है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए। तो दोस्तों हमारे सामने है टाटा नेक्सन फेसलिफ्ट यानी कि टाटा नेक्सन 2020। ये टॉप वेरिएंट है यानी कि एक्सेलेंट वेरिएंट है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं फ्रंट से काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है। ग्लोबल एंड कैप 5 रेटिंग, ये एक सब कॉम्पैक्ट SUV है यानी कि बहुत सिक्योर SUV है टाटा की। और इंडियन SUV में यही एक SUV है जिसने सबसे पहले ग्लोबल एंड कैप में 5 स्टार रेटिंग हासिल की है, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा फेमस हुई है और सबसे ज़्यादा बिकने वाली SUV बन गई है। तो चलिए अब देखते हैं कि इसमें 2020 में क्या क्या चेंजेस पाए गए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं फ्रंट की ग्रिल जो है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज कर ली गई है और बम्पर के नीचे जो इंसर्ट है उसमें भी थोड़े से चेंजेस कर लिए गए हैं। बाकी ट्राई एंगुलर हेडलाइट्स इसके इंसर्ट की गई हैं और DRL जो हैं वो आपको बेस वेरिएंट से यानी कि XE वेरिएंट से ही मिल जाएंगे। ये है इसके प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, इन्हें ट्राई एरो हेडलैम्प कहा जाता है और इसके साथ आपको DRLs भी मिल जाते हैं। ये है इसकी ग्रिल, पियानो फिनिश ग्रिल आपको मिलेगी, बीच में टाटा का लोगो मिलेगा और नीचे आपको क्रोम वर्क देखने को मिलेगा। ये नीचे एक छोटे छोटे एरोप्लेन जैसे बनाया हुआ डिज़ाइन है और उसके नीचे आपको एंटी स्किड प्लेटिंग देखने को मिलेगी या फिर क्लैडिंग देखने को मिलेगी। ये ज़्यादातर SUV में आपको देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल फेसलिफ्ट का डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनाया गया है, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस कर दिए गए हैं। बाकी फॉग लाइट्स भी आपको देखने को मिलती हैं, उनमें भी सिल्वर इंसर्ट देखने को आपको मिलता है। तो अब हम देखते हैं टायर, R16 इंचेस के आपको टायर मिलते हैं। व्हील आपको एलॉय व्हील्स मिलते हैं, डायमंड कट एलॉय व्हील्स हैं। व्हील्स का डिज़ाइन भी थोड़ा चेंज कर दिया गया है, पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बॉडी कलर ही आपको ओपनर्स मिलते हैं और बॉडी कलर ही आपको ORVMs मिलते हैं। बी पिलर पे आपको ब्लैकआउट मिलेगा, व्हील पे आपको प्लास्टिक क्लैडिंग मिलेगी। तो चलिए अब देखते हैं रियर प्रोफाइल। रियर प्रोफाइल भी थोड़ी सी चेंज कर ली गई है और पहले से ज़्यादा अपीलिंग लग रही है। इसमें आपको वो सारे फीचर्स मिल जाते हैं जो कि रियर प्रोफाइल में होने चाहिए, जैसे कि स्पॉइलर मिल जाएगा, शार्क फिन एंटीना मिल जाएगा, वाइपर मिल जाएगा, वॉशर मिल जाएगा, डिफॉगर्स मिल जाएंगे, कैमरा मिल जाएगा, रियर पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे और रिफ्लेक्टर्स भी मिल जाते हैं। रिफ्लेक्टर के इर्द गिर्द आपको सिल्वर इंसर्ट देखने को मिलेंगे। तो यहाँ आपको नेक्सन की बैचिंग मिलेगी। तो ये है इसकी बूट, बूट स्पेस भी काफ़ी ज़रा अच्छी मिल जाती है। इसमें 350 लीटर की बूट स्पेस आपको मिलती है नेक्सन में और इसके बूट में आपको बूट लाइट भी मिल जाती है इजीली। और बूट का डोर भी काफ़ी ज़्यादा हैवी है, आपको पकड़ कर लगेगा या फिर जब आप ओपन करेंगे तो आपको फील होगा कि कितनी ज़्यादा हैवी SUV है ये। ये है स्पेयर व्हील सेम साइज़ का। इसके साथ आपको टायर पंचर का मटेरियल भी मिल जाता है। पीछे भी आपको वही सिल्वर इंसर्ट की क्लैडिंग दी गई है। तो चलिए अब देखते हैं इंटीरियर, इंटीरियर में आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो ऐसा है कुछ इंटीरियर, ये थोड़ी लाइटिंग कम है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। इंटीरियर आपको ब्लैक और वाइटिश ग्रे कलर की कम्बिनेशन में आपको मिलेगा, कम्बिनेशन काफ़ी ज़रा अच्छा है। इसमें भी आपको अम्ब्रेला होल्डर डोर्स में देखने को मिलेगा जैसा कि टाटा ऑल्ट्रोज में देखने को मिलता है। पियानो फिनिश आपको हैंडल्स देखने को मिलते हैं, क्रोम फिनिश ओपनर्स देखने को मिलते हैं। स्टीयरिंग पे आपको लेदर फिनिश देखने को नहीं मिलती, डिजिटल MID देखने को मिलती है और 7 इंच की फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलता है। स्टीयरिंग पे भी आपको ग्लॉस वर्क देखने को मिलता है और स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल, स्टार्ट स्टॉप का स्विच आपको मिल जाएगा इसमें। बाकी कई ज़्यादा जैसे गियर चेंज इंडिकेटर्स वगैरह आपको MID में मिल जाते हैं। बाकी एयर वेंट्स के इर्द गिर्द भी आपको थोड़ा सा क्रोम वर्क देखने को मिल जाएगा। बाकी स्विचेस जो हैं, नोब्स जो हैं, वो सेम डिज़ाइन टाटा ऑल्ट्रोज जैसा ही है,
सिक्स स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ये गाड़ी आपको मिलेगी। इसमें 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन रेवोट्रॉन और 1.5 लीटर डीजल इंजन मिल जाएगा, जो कि अच्छी खासी पावर आपको देता है। दोनों ही BS6 कंप्लाइंट इंजन है। इसमें आपको हैंड रेस्ट भी मिल जाती है ड्राइवर के लिए, और उसमें आपको थोड़ी सी स्पेस भी मिल जाती है। इसमें आपको 3 ड्राइविंग मोड्स भी मिल जाते हैं। यह है कैबिन के ऊपर का मटेरियल, जिसमें आपको लाइटिंग वगैरह मिल जाती है। यहाँ भी आपको ग्लॉस वर्क देखने को मिलता है। यह है डैशबोर्ड, डैशबोर्ड में आपको सॉफ्ट टच देखने को नहीं मिलता। इसमें भी आपको कूल्ड ग्लव बॉक्स देखने को मिलता है। दो ग्लास होल्डर मिल जाएंगे या फिर कप होल्डर्स मिल जाएंगे इसमें। इसमें आपको 4 स्पीकर और 4 ट्यूटर भी मिल जाते हैं इस वेरिएंट में। बाकी XM में आपको 4 स्पीकर ही मिलते हैं। तो ऐसा है कुछ इंटीरियर। चलिए अब देखते हैं रियर में जाकर, रियर से कैसी लगती है यह गाड़ी, रियर से बैठकर या रियर की सीटिंग प्रोफाइल। रियर जो सीट है वो से आप 60-40 स्प्लिट भी कर सकते हैं या फिर 60-40 फोल्ड भी कर सकते हैं। सीट बेल्ट को भी आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए, इसे बस पुल करके आप एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। तो इतने ज़्यादा फीचर्स आपको मिल जाते हैं टाटा नेक्सन 2020 यानी टाटा नेक्सन फेसलिफ्ट में, XZ वेरिएंट में। या रियर पैसेंजर के लिए आपको AC वेंट्स भी मिल जाते हैं, जो कि XM वेरिएंट में, छोटे वेरिएंट में आपको नहीं मिलते। बाकी लेग रूम वगैरह ठीक ठाक मिल जाता है आपको। हेड रूम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिल जाता है इसमें आपको। बाकी हेडरेस्ट भी आपको मिलती है सभी गाड़ियों में, डिटैचेबल हेडरेस्ट मिलती हैं, चाहे फ्रंट हो रियर हो, सभी में आपको हेडरेस्ट मिलती हैं डिटैचेबल। और ये है पार्सल ट्रे, पार्सल ट्रे भी आपको इस वेरिएंट में मिल जाएगी, जो कि छोटे वेरिएंट्स में आपको नहीं मिलती। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर दिया गया है टाटा नेक्सन को। पहले भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, अब थोड़े और चेंजेस कर दिए गए हैं। इंटीरियर और एक्सटीरियर से ज़्यादा अच्छी कर दी गई है फ्रंट से, खास करके फ्रंट लुक इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना दिया गया है। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई है। बाकी आप अपना व्यू पॉइंट दे सकते हैं कमेंट में भी, आपको कैसी लगी है या फिर प्राइस इसका कैसा लगा है टाटा नेक्सन नई का। मैं जल्द ही एक और वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा वेरिएंट अच्छा है बाय करने के लिए। तो ऐसे आपको ये हैंडरेस्ट मिल जाएगी, हैंडरेस्ट में आपको शटर भी मिल जाता है, हैंडरेस्ट में काफ़ी ज़्यादा स्पेस आपको मिल जाती है सामान रखने के लिए। और ये देखिए हेडरूम, हेडरूम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है गाड़ी का। इसमें भी आपको रूफ रेल्स वगैरह भी मिल जाती हैं। तो दोस्तों ये सब था टाटा नेक्सन के बारे में। थैंक यू सो मच।